देखो फ्रेंड, आधी रात हम बरसों पानी कितनी कस के ओरे गिर रहे हैं। देखो देखो फ्रेंड, कैसे ढेर लगे। तो फ्रेंड, इससे लोगों को आज बहुत रात में हुए, ऐसो ओरो गिरो गिर रहे बताओ। हैं और पानी बहुत तेज बरसो है, इससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सुबह पता चले कि क्या हो रहा क्या नहीं, बहुत ठंडे एकदम। किसान भाई रोए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के और नए ब्लॉग में। तो आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट। और आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि अभी तो हम जा रहे हैं मशीन चलाने, इसके बाद हम जो भी काम कर रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाए। और जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे घर पे एक छोटो सो कन्हैया आया हुआ है और आए हम आप लोगों को दिखाई दे। देखो कितना छोटो सो है, हम तो गोदी ना ले पाओ, इतने छोटे छोटे बच्चा देख रहे क्या है ये? तो खुश हो गए दिखाए रहो बच्चे। हेलो हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? रुद्र। हेलो हेलो, हंस के दिखाओ, हंस के। तुम तो बोल ही नहीं रहे कतई। ये छोटे छोटे, ये देख, क्या देख रहे? देख रहे हो भाई। बोलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो, टाटा बाय बाय कर रहो। ए रुद्रा, तुम्हारी नानी देखे वीडियो, लल्ला को वीडियो देख रही नानी। ये काय काय, ये अब हंस रहे हो, सदन खिलाए रहे भैया, तभी हंस रहे हैं छोटे मोटे बच्चे। बाबू हेलो, बाबू हेलो, भाई लोगों कैसे हो सभी लोग? ए बोलो, ये बोल, बोलो सदन तुम्हें देख रहा, बोलो। तो फ्रेंड छोटे तो बोले नहीं, हंस रहे थे धीरे धीरे। और अब हम अपनी मशीन चलाने जा रहे हैं, तो थोड़े कपड़े कड़े रखे थे तो इन्हें सिल रहे हैं। देखना तो भाई अच्छी है, परेशान बिल्कुल ना हो। हाँ तो भाई ऐसी अच्छी लग रही, देखो। और आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो आज हम आप लोगों को दिखाए रहे सबसे ऊपर वाली छत पर चढ़ के अपने गांव का नज़ारा दिखाएं, कैसे लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ये सब पीछे को दिख रहा, इधर देखो। आज रात में इतनी तेज पानी बरसो और बहुत ज़्यादा ओले पड़े रात में, तो बहुत माहौल खराब है। तुम देखो, देख लो ऊपर से कितना तो बढ़िया लग रहा हो। देखो आगे फील्ड में कैसे पानी भरो है, उन ये तीन ट्रैक्टर खड़े तीनों पानी के अंदर ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए। वही चल के दिखाए आप लोगों को। अब तो हम जा रहे हैं नीचे, देखो रात में कितनी तेज पानी बरसो। देखो ट्रैक्टर एक्टर सब खड़े हैं पानी के अंदर और भरो चारों तरफ, बहुत तेज ओले गिरे थे आज रात में। अचानक से मौसम खराब होएगा, पता तक नहीं चलो। ये पानी 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 है हमारे। देखो मम्मी ने बनाए थे कंडा सब पानी के बीच। देखो फ्रेंड, आधी रात हम बरसों पानी कितनी कस के ओरे गिर रहे हैं। देखो पूरे घर भरे बिजली, देखो पूरे घर में कैसे तारे चमक रहे हैं आधी रात में। ये देखो ये हैंड पे कैसे जाम लगे खटिया के नीचे, और एक गजब ओरे भरे। देखो फ्रेंड कैसे ढेर लगे। आज रात में ऐसो ओरो गिरो बताओ। बहुत ठंडे एकदम जाम बह जा था तुम्हारे तो है? चलो हम अपनी मम्मी से मिलवाए रहे चले, और मम्मी भाई बताएगी आज रात में क्या हालत भाई, कैसे पानी बरस रहे तो कैसे हो रहे गिर रहे थे, क्या सिस्टम था। ये फ्रेंड हमारी मम्मी बैठी है, मम्मी बता रहा तुम कैसे लग रहे हो, रात में बहुत तेज पानी बरसो ओले मम्मी के ऊपर गिर रहे थे। इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े भारी। मम्मी तुम्हें कैसे लग रहा जब ओले गिर रहे थे? नीक लगत तो नीक लगत तो।
मम्मी भैया हमारी रात में बहुत रोई रही थी कि वो और एक कभी बंद हुई जाए सदन तो कैमरा मैन तो बाजी है। तो फ्रेंड अब हम आए हैं अपने खेत के पास और आप लोगों को हम दिखाएं कि हमारे खेत पे और हमारे गांव के किसान लोगों के सब लोगों को कितना नुकसान हुआ खेतन में। तो आप लोगों को अभी हम दिखाए रहे और रात में तो बहुत तेज बारिश भई और बहुत तेज ओले पड़े तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सब लोगों को। गेहूँ भी गिर गए हैं सब और सरसों तो बिल्कुल भी जर गई है। तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं खेत पे पहुंच चुके हैं। सरसों देखो किस तरह से गिरी है कैसे सब दाने दाने नीचे झर गए हैं। ये देखो सरसों को खेत है कैसे सारी सरसों पलट गई है और सब झर गई है बिल्कुल दाना नीचे गिर गए हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है मतलब इस बार जो मौसम खराब हुआ है जो पानी बरस हुआ है वो बहुत तेज ओले पड़े हैं इसन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत परेशान है सब लोग और खेतन में इसमें पक्की फसल के आलू भी खुद रहे थे उस फ्रेंड अब हम चल रहे हैं गेहूं के खेत में आप लोगों को दिखाई रहे। तो फ्रेंड अब हम चल रहे हैं आप लोगों को गेहूँ के खेत और दिखाई रहे कि गेहूँ कैसे पलट गए हैं अभी उनमें दाना तक नहीं पड़े हैं और गेहूँ सब गिर गए हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये गेहूँ यानी कि जब बड़े हुए हैं तो बिल्कुल ख़राब हो जाए इनमें कुछ नहीं हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान किसान लोगों को। आलू कुछ लोगों के खेतन में तो आलू खुदे पड़े थे कुछ लोगों के खुद गए थे कुछ लोगों के खुद रहे हैं और खुदने को खड़े हैं। तो ये सब मतलब कि बेकार हो रहे इन पे व्यापारी खरीद नहीं रहे हैं इस पे मतलब ये आलू ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि ये कोल्ड में भी नहीं रुक सकते ज़्यादा। जिस पक्के आलू जो पक्की फसल के आलू होते हैं ना इन पे अगर पानी पड़ जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो फ्रेंड आप लोग देखो और लाइक करो कमेंट करो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो किसान भाई उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप लोगों को हम दिखाएं कि हमारे खेत में गेहूँ कैसे पलट गए हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी ये। तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि देखो खेत पे कैसे गेहूँ पलट गए हैं बिल्कुल अभी तो बाली पे खड़े थे और इस तरह से खेत पे नुकसान हुआ है हमारे खेत में तो बहुत दिक्कत है। अब ये सीधे भी नहीं हो सकते हैं हमें तो ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड अब चल रहे हैं अपने घर के लिए और जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड ये है मेरी आज की वीडियो और ये वीडियो हम यहीं से एंड कर रहे हैं। मिले अगले वीडियो में कल तब तक के लिए बाय।